ऐसे कैसे हम बाय कर सकते हैं शेयर्स या कोई भी और ऐसी कमोडिटीज होती हैं शेयर्स के अलावा भी मार्केट में, तो क्या क्या हम या कैसे कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे इसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं, और कैसे हमने लोगों के झांसों से बचना है, तो ऐसी कुछ हम बातें डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट्स होएगा होंगे आपके, मैं बीच बीच में पॉजेस लेता रहूंगा और साथ साथ में मेरे से पूछते रहना, और या फिर एट द एंड ऑफ द सेशन जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आई ट्राई कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आई मतलब कि मैं उनको रिजॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो आज का सर आवाज़ क्लियर आ रही है वरिंदर सर? ठीक, ऑडिबल सर। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। ठीक सबसे सर किसी का ना लुकिंग इनटू द मैटर। ठीक है सर, सो हमारे पास जो कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं, पहले तो बात हम ये करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी क्यों, हम इन्वेस्टमेंट करते क्यों। देखो वी ऑल नो कि जिंदगी में जितना मर्जी जो मर्जी हम कह लें कि प्यार मोहब्बत हमारे पास है, हमारे पास कह लो कि बहुत ज्यादा लोग के साथ रिलेशन अच्छे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता जब तक आपके पास पैसा है। तो अल्टीमेटली अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छी इन फ्यूचर अगर आप अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी जीनी है आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि किसी भी एक आम इंसान की चाहे वो बिजनेस कर रहा है या वो सर्विस कर रहा है, 60-65 की एज तक वो अच्छा अच्छे तरीके से परफॉर्म जब तक वो करता रहेगा अपनी जॉब में, उसको उसी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसके बाद उसको बोलेंगे कि कर रहा है। ये कोविड ही आपके सामने एग्जाम्पल है कि जो जो भी बंदे एज थे ना, मतलब गवर्नमेंट ने तो बोल रखा था 60 या 65+ वालों को नहीं काम करवाना है, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो उनके पास 50+ भी बंदे थे ना, उन्होंने कह दिया जी प्लीज अगर आप बीमार हो गए हमें कल को आपके घर वाले बोलेंगे या गवर्नमेंट हमारे पे एक्शन लेगी, आप प्लीज घर में। तो उस टाइम पे जब हम उस एज में पहुंच जाएंगे तो हमारे काम क्या आएगा, मतलब घर वाले भी बुलाना छोड़ देंगे अगर पैसे नहीं आएंगे। इसका मतलब हमें उस टाइम पे पैसा चाहिए, पैसा उस टाइम पे तो कमा नहीं सकेंगे, तो उस टाइम के लिए अभी से जोड़ के रखना पड़ेगा। अगर पैसा जोड़ नहीं है, अगर मान लो हम पैसा थोड़ा बहुत किसी तरह से अपनी सैलरी में से या अपनी बिजनेस इनकम में से निकाल पा रहे हैं, अगर वो पैसा घर पे लॉकर पे रखते रहे या अलमारी में या कहीं आपने सेफ बना रखा है वहाँ पे रखते रहे, और वो पैसा ऐसा कैसा पड़, अब जैसे नोटबंदी होगी ठीक है, मतलब ऐसे भी कभी इन फ्यूचर प्रॉब्लम आ सकती है कि आप पैसा इकट्ठा करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तब तक नोट बदल गए या फिर आपने पैसा इकट्ठा करके रखा, उस पैसे से और पैसा भी कमाया जा सकता था बट आपने नहीं कमाया। एक जो बंदा मान लो मैं अपनी पॉकेट में से 1,000 रुपया निकाल के महीने के महीने घर पे रखता हूँ, 12,000 रुपये रखता है, 12,000 रुपये मेरे साल के एंड में मेरे पास जमा हो, वरिंदर सर 1,000 रुपये महीना निकालते थे बैंक में रखते थे या मार्केट में लगाते थे कहीं पे, उनके पास साल के एंड में 14,000 रुपये जमा हुए पड़े हैं। तो मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो पैसा भी पैसा कमाए, जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है उसको रख दे और वो पैसे का भी पैसा बनता रहे, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हमारे पास, आप सब जानते होंगे कि इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, मैंने कुछ यहाँ पे लिखे, कुछ हो सकता है मिस भी हुए हैं, बट ये मैंने मेजर जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे ज्यादातर लोग पैसा लगाते हैं वो लिखे। जैसे एफडी है, एफडी क्या आपको पता है आजकल, पहले होता था कि इस टाइम पे 12-13% रिटर्न आती थी, पैसे रखो 5 साल में पैसे डबल ऐसा होता था, बट आज की डेट में जो एफडी है ज्यादातर बैंक 6% 6.25% इंटरेस्ट देते हैं, 6 से 7% एफडी पे इंटरेस्ट मतलब आपको इनकम आती है, वो भी तब कि अगर 4-5 साल के लिए कम से कम पैसे डिपॉजिट कराओ, अगर आप 15 दिन के लिए 20 दिन के लिए एफडी कराते हो तो आपको 3-3.5% की रिटर्न देते हैं बैंक। ऐसे पीपीएफ होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता दूं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट में सारे तरह के सर्विस क्लास है चाहे वो बिजनेस क्लास है, हर तरह के एम्प्लॉय के लिए, हर तरह के बिजनेस पर्सन के लिए एक फंड क्रिएट किया हुआ है। उस फंड में आप साल के साल या महीने के महीने जब मर्जी जब आपके पास पैसे हैं उस फंड में पैसे डालते हो, इसका लॉक इन पीरियड होता है कि 15 साल तक इस फंड में से आप पैसे नहीं निकलवा सकते। इसकी भी जो रिटर्न होती है एवरेज जो होती है साल की अप्रॉक्सीमेट 7% होती है। ऐसे गोल्ड, गोल्ड का ऐसे है कि गोल्ड में जब रिटर्न आती है लॉकडाउन में बड़ी अच्छी रिटर्न आई, ठीक है मतलब 38,000 से 50,000 पहुंच गया, नहीं आती तो 50,000 ही क्या पता 3-4 साल 5 साल इतना ही रहे,
कुछ नहीं पता। तो मतलब एवरेज इसकी भी अगर पिछले 20-22 साल का ट्रेंड था 7-8% रुपये। रियल एस्टेट आपको सबको पता है 5% यहाँ पे मैंने लिख दिया सिर्फ ये रखने के लिए भी हाँ भी बढ़ती है, बट पिछले 3-4 साल से रियल एस्टेट भी वहीं पे स्टैगनेट हुई पड़ी है, लोगों के पैसे नहीं बढ़ रहे। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी खरीदी हुई, प्लॉट घर ले लिया, घर खरीद लिया, कुछ इस तरह की आपने इन्वेस्टमेंट कर। सेविंग अकाउंट अगर आप सोचते हो मैंने नहीं कहीं इन्वेस्ट करने, झंझट में पढ़ना चाहता मैं, मेरे अकाउंट में पैसे बढ़े हैं दैट्स फाइन, तो सेविंग अकाउंट में आपको पता हो 3% साल का इंटरेस्ट आता है। वैसे किसी को इंटरेस्ट पे दो ना वो 3% महीने का दे देता है, और सेविंग अकाउंट में बैंक वाले 3% साल का देते हैं। मतलब मैंने 1 लाख रुपए रखा, साल बाद मुझे 1,03,000 पड़ेगा, उसमें से कोई बैंक चार्ज ऐसे चार्ज भी डालते हैं। ऐसे एनएसएस होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इस तरह से इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती है। पोस्ट ऑफिस में जाके आप इस तरह के सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं जितने भी पैसे के खरीदने चाहते हैं। इसमें भी लॉक इन पीरियड होता है कि 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट करें। ऐसे ही आप म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट। अब मैंने ये रिटर्न आपने सबकी देखी कि एवरेज जो रिटर्न है 6-7% होता है, बट जो म्यूचुअल फंड है उसमें पिछले अगर 20-25 साल का ट्रेंड देखूँ तो एवरेज हर साल की 12% रिटर्न आ रही है। और जो शेयर मार्केट में ऑब्वियस सी बात है कई बंदे डूबते भी हैं, कई बंदे भी हैं, बट अगर एवरेज निकालें लोगों ने इसमें से 18% रिटर्न कमाया, 18%, जो कि कोई भी आपको बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस नहीं देते। तो सीधे सीधे अगर आप शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो यू हैव टू ऑप्शंस, दो तरीके हैं, दो रास्ते हैं आपके पास शेयर मार्केट में एंटर करने के। सबसे पहला जो रास्ता है वो है इजी, मतलब जो बिगिनर्स के लिए मैं कहूँगा, अगर आप लोग क्लियर इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू हैव म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स है, इसमें इनडायरेक्टली पैसा आपका मार्केट में लगता है। क्या होता है म्यूचुअल फंड में डिटेल में आगे आपको बताऊँ। शेयर जैसे आप लोग सुनते हो कि इस कंपनी के शेयर का प्राइस इतना बढ़ गया, इतना घट गया, तो शेयर्स कंपनी में डायरेक्ट एक ऑनरशिप है। आप एक रिलायंस का मान लो 2400 रुपये का शेयर आपने खरीद लिया एक शेयर, तो इसका मतलब रिलायंस की हिस्सेदारी, रिलायंस की मालकियत में, ऑनरशिप में आपका 2400 रुपये का हिस्सा हो गया, मतलब रिलायंस के 2400 रुपये तक के मालिक होंगे। मतलब डायरेक्ट एंट्री शेयर की, मतलब शेयर खरीदो डायरेक्ट एंट्री ले लो शेयर मार्केट में, आप एक अच्छे मतलब कह लो कि इन्वेस्टर बन गए, ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना आ रहा है शेयर मार्केट में। तो दो तरीके हैं, म्यूचुअल फंड और शेयर्स, जो भी आपको लगता है आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से, आपकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, या आपकी लिक्विडिटी के हिसाब से कि आपके पास पैसा कितना है, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, या तो म्यूचुअल फंड में लगा लो या शेयर में लगा लो। अब आपसे जो इम्पोर्टेंट आपके सामने मैं बात रखने जा रहा हूँ, दैट इज इन्वेस्टमेंट का। आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ 3 या 4% लोग हैं, 3 से 4% लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ 3 से 4%। मतलब हमारी 150 करोड़ की आबादी है, उसमें से 3 या 4 करोड़, मतलब 5 करोड़ बंदे हैं जो इन्वेस्ट करते हैं इसमें शेयर मार्केट में, अदरवाइज लोग इन्वेस्ट नहीं करते हमारे लोग। ये यूएसए में अगर देखें, यूएसए में लगभग 50 से लेके 55, मतलब 50 to 55% ऑफ पीपल ऑफ यूएसए इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। ये डिफरेंस क्यों है? देखो सीधी सी बात है, वेल्थ नेशन है, उनकी समझ भी हमारे से ज्यादा होगी, एजुकेशन भी उनकी उनसे अच्छी है, तो इसका मतलब वो ज्यादा समझदार है, उनकी चॉइस अच्छी है, वो इन्वेस्टमेंट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, तो शायद इसलिए शेयर मार्केट में ज्यादा लगा रहे होंगे। और हम क्योंकि जैसे आप भी अभी लेक्चर में से थोड़ी सी चीजें लेके जाओगे कि इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, 10-20 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट में, जितने आप इन्वेस्ट करने कर सकते। मतलब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आप लोग तो फिर कॉमर्स वाले हो, कॉमर्स कितने के लोग लेते हैं 10th के बाद, आपको भी पता है। उसके बाद उनमें से कौन लोग पर्टिकुलरली शेयर मार्केट को समझते हैं, ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता शेयर, बी कॉम कर ली, एम कॉम कर ली, ये नहीं पता लगा कि शेयर क्या होते हैं, कैसे इनका रेट बढ़ता घटता है, कैसे खरीदनी है। तो मतलब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में अवेयरनेस इतनी नहीं है, क्योंकि होता क्या है जिसको तो फायदा होता वो नहीं ठिठोरा पीटता। मान लो मैंने शेयर में से पिछले 1 साल में मान लो 15-16 हज़ार रुपये कमा लिया, तो मैं नहीं लोगों को बताता चीख चीख के कि मैंने पैसा कमाया था। अगर मेरा ये डूब जाता मैं सबको बोलता कि भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, पैसे डूब जाते हैं, मैंने 1 लाख रुपये लगाया था 80,000 रह गया। तो प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि नेगेटिविटी को लोग ज्यादा फैलाते हैं, एक ये मतलब लोगों के मन में एक परसेप्शन है कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसे डूबते ही हैं, बट ऐसा नहीं होता, लॉन्ग रन में हमेशा शेयर मार्केट में पैसे बनते ही हैं। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में अवेयरनेस की दिक्कत है।
कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में हम घुसे कैसे, एंटर कैसे करें। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अवेयरनेस लेके आने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। तो जो जो भी आपके जहां जहां पे भी डाउट्स रहेंगे साथ साथ में पूछते रहें। ठीक है, सबसे जो बड़ी लोगों को दिक्कत होती है, इस तरह का आप जी बिजनेस बोलते हो या कोई भी एंटिटी भी प्रॉफिट बोलते हो, इस तरह के लोग वहां पे आपको दिख रहे होते हैं, राइट? इस तरह के आपको लोग वहां पे दिख रहे होते हैं। आज ये हो गया जी, शेयर बाजार में मंदी है, तेजी है। सबसे बड़ी ये जो दिक्कत, ये दो चीजें, निफ्टी और सेंसेक्स। बच्चों को रोक करने के बाद भी यही नहीं पता लगता कि निफ्टी क्या है, सेंसेक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी की बात करेंगे, निफ्टी या सेंसेक्स क्या हो। तो निफ्टी या सेंसेक्स में ब्रीफ में पहले बता दो, इंडिया में दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक इंडेक्स बनाती है। इंडेक्स बनाने का मतलब क्या है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास, उसने उसमें से टॉप 100 कंपनीज उठा लेनी है या टॉप 50 कंपनीज उठा लेनी है। अलग अलग तरह के इंडेक्स हैं, निफ्टी के भी, इसके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के भी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी। जो निफ्टी है, निफ्टी में वो क्या करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो टॉप के 50 शेयर्स हैं, जैसे निफ्टी में सारी जो लार्ज कैप कंपनीज होती है ना, आगे मैं बताऊंगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है, ये भी एक डायलमा होता है बच्चों को समझ लेती है, या समझने की कभी कोशिश ही नहीं करते, या हम पढ़ते ही नहीं है, बस ये देखते रहते हैं कुछ लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, बट कभी पूछा ही नहीं होता गया है। ठीक है, तो निफ्टी में क्या होता है, जो लार्ज कैप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज मतलब जो इंडिया की बड़ी कंपनीज है, इंडिया मतलब निफ्टी एक स्टॉक एक्सचेंज है, और निफ्टी एक स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है, उनमें से जो टॉप की 50 कंपनीज होंगी, टॉप की 50 कंपनीज वो किसके बेसिस पे देखेंगे, मार्केट शेयर के बेसिस पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, कि उनके फॉर एग्जांपल रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिलायंस के कितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशूड है इनटू उनका करंट प्राइस, ये उसकी कैपिटलाइजेशन होगी। ऐसे ही टाटा के कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशूड है इनटू उनका करंट मार्केट प्राइस, इस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन सारी कंपनीज की करी जाएगी। उनमें से जो टॉप 50 कंपनीज होंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उनके शेयर्स का एवरेज प्राइस इज निफ्टी। निफ्टी का पूरा नाम निफ्टी 50 बोलते हैं, कि इसमें 50 कंपनीज का इंडेक्स है, मतलब एक तरह से हमने एवरेज डिपिक्ट करी हुई है कि ये 50 कंपनीज की एवरेज ग्रोथ या कह लो उसकी डिक्लाइन, ये निफ्टी बता देती है कि ये 50 कंपनीज ग्रो कर रही हैं और 50 कंपनीज डाउन जा रही हैं कैसे। अब निफ्टी में देखो, क्योंकि कंपनी इंडिया की बड़ी सारी कंपनीज निफ्टी में आ गई, तो इसका मतलब क्या है, निफ्टी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टर की हालत अच्छी है या बुरी। निफ्टी का अगर रेट कम हुआ, इसका मतलब ऑल ओवर जो ओवरऑल मार्केट है वो डाउन जा रही है, कंपनीज को शायद घाटा पड़ रहा है या बैड न्यूज चल रही है कोई मार्केट में, मतलब इस तरह से निफ्टी से हम जज कर लेते हैं, क्योंकि सारी जो बड़ी कंपनी निफ्टी में। इसी तरह से जो दूसरा बड़ा सबके सामने सवाल रहता है, सेंसेक्स। अब आप क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे हो, ज्यादातर ज्यादातर क्या शायद सारे ही कॉमर्स वाले बच्चे हैं। अब जो बंदे नॉन कॉमर्स वाले होते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स ही लगा लो, ठीक है, या कोई हमारे फ्रेंड्स लगा लो, वो आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उनको बताओ सेंसेक्स क्या होता है। ठीक है, उनको नहीं पता सेंसेक्स क्या है, सिर्फ वो लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है, या फिर जो लोग पढ़ते हैं सेंसेक्स क्या होता है उनको पता है। तो आगे से आपने लोगों को जाके बताना है सेंसेक्स क्या है। सेंसेक्स मैं आपको बताया, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स की एवरेज निकाल के, एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, अगर एंड में आप लोग कहोगे तो आई विल शेयर द फॉर्मूला कि ये निफ्टी या सेंसेक्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, BSE जिसको बोलते हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का उन्होंने क्या किया हुआ है, 30 स्टॉक्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ मैंने, 30 जो जैसे निफ्टी वाले टॉप की 50 कंपनीज उठाते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले जो भी उनके पास कंपनीज रजिस्टर्ड है उनमें से टॉप की 30 कंपनीज का इंडेक्स बना देती है कि ये हमारा इस टाइम पे सेंसेक्स की वैल्यू है। ठीक है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो इंडेक्स बनाती है उसको सेंसेक्स बोलते हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, वो जो सेंसेक्स बना, वो जो इंडेक्स बनाती है उसको निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी 50।
समझ लगी बात? किसी को डाउट आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो कोई डाउट होएगा तो साथ साथ। मतलब सेंसेक्स क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, 30 स्टॉक्स का, टॉप के जो 30 शेयर्स हैं। निफ्टी क्या है? जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के 50 शेयर्स हैं, टॉप के 50 शेयर्स हैं, उनका इंडेक्स है। ठीक है, निफ्टी जो स्टार्ट हुआ था 1995 में स्टार्ट हुआ था, जो सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1986 में स्टार्ट हुआ था। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स है अभी, निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। ठीक है, अगर निफ्टी अच्छा जा रहा है इसका मतलब कंपनीज प्रोग्रेस कर रही है, शेयर आप भी शेयर मार्केट में कूद जाओ, शेयर में पैसे लगा दो तो मतलब बढ़ रहा है, तो मतलब अच्छी बात है कि कंपनीज की कह लो कि प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं शेयर्स के, तो हम भी एंटर करते हैं, हमें पूरी तरह फायदा है। अगर निफ्टी डूब रहा है या तो वेट करो, पूरी तरह डूबने दो, फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सबके प्राइसेस डाउन आए हुए हैं, अब इन्वेस्ट कर दो, अब इसके बाद बढ़ेंगे तो हमें भी फायदा होगा। ऐसे सेंसेक्स है, तो जब भी निफ्टी या सेंसेक्स हिलते हैं इसका मतलब जो बड़ी कंपनीज है हमारी 30 या इधर 50, मतलब ये हिल गई है, ये हिल गई है मतलब, क्योंकि ये इनके पास बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं, बहुत सारे इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, ये आने वाले फ्यूचर के लॉसेस को या प्रॉफिट्स को जल्दी फोरसी कर लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं, तो मार्केट में, तो मार्केट में अगर कोई एंटर कर रहा है, मतलब मार्केट आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी या बुरा परफॉर्म करेगी, या कोई अच्छी चीज चल रही है मार्केट में, अच्छी न्यूज चल रही है या बुरी न्यूज चल रही है, वो हमें सेंसेक्स से पता लग जाता है या निफ्टी से पता लग जाता है। क्लियर? ये सर किसी ने एप्लीकेशन ऑफर, इसके अलावा आप जैसे ये मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे ना नीचे, कई बार चैनल वालों ने जैसे निफ्टी सेंसेक्स शो किया होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, यही नहीं दो इंडेक्सेस हैं, बहुत सारे और भी तरह के इंडेक्सेस इंडिया में चल रहे हैं, जैसे बीएसई मिड कैप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक इंडेक्स बनाया हुआ है सेंसेक्स के अलावा, ठीक है, जिसमें सारी मिड कैप कंपनीज की एवरेज को वो डिपिक्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही बीएसई का सेंसेक्स आपको बता ही दिया, ऐसे बीएसई उन्होंने स्मॉल कैप कंपनीज का भी बनाया हुआ है, स्मॉल कैप अभी बताऊंगा, स्मॉल कैप कंपनीज का उन्होंने ये इंडेक्स में, ऐसे इंडिया वीआईएक्स आ गया, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100, इस तरह के बहुत सारे इंडेक्सेस, बट क्योंकि जो मेजर कंपनीज है वो सारी सेंसेक्स में आ जाती है या निफ्टी में आ जाती है, तो वी हैव टू लुक अपॉन दीज बुक, ये जो दो हमारे मेजर जो इंडेक्सेस हैं, एक तो सेंसेक्स और एक निफ्टी, इन्हीं दो पे ज्यादा हमें फोकस करना है, क्योंकि इनसे हम ओवरऑल मार्केट की पोजीशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मार्केट अच्छी चल रही है बुरी चल रही है, यही दो ज्यादा चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे, ये मैंने की जो मेजर जो चलती है वो लिख ली, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडेक्सेज हैं, ब्रोकर्स ने अपने अपने इंडेक्सेस बना रखे हैं कि वो अपने ब्रोकर के हिसाब से ये इंडेक्स बनाया कि मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, बट ये कुछ मेजर जो इंडेक्सेज है जो हमारी कंट्री में चलते हैं, जिनको लोग ऑब्जर्व करते हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा निफ्टी 50, ये वाला जो थर्ड लास्ट पे पड़ा है, और सेंसेक्स जो ऊपर से सेकंड नंबर पे। क्लियर? अब मैंने आपको कहा कि दो तरीके हैं शेयर मार्केट में एंटर करने, एक है म्यूचुअल फंड्स, दूसरा है शेयर्स। तो अच्छा, एक और इससे पहले म्यूचुअल फंड स्टार्ट करूं, कई लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है कि शेयर का प्राइस बढ़ता घटता कैसे है। ठीक है, तो कोई इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है, शेयर का प्राइस जो बढ़ता है या घटता है शेयर्स का, वो टोटली डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई, टोटली डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जब हम सब्जी मंडी में जाते हैं ना, कई बार ऐसे होता है पीछे टमाटर कहते हैं 100 रुपये किलो हो गए, क्यों हुए? सिंपल, डिमांड ज्यादा है, पीछे से सप्लाई कम है, सप्लाई कम है तो हम क्या करते हैं, कस्टमर हम कहते हैं चले यार सब्जी वाले ने 35 मांगे 35 दे देंगे, किसी ने 50 मांगे 50, ऐसे धीरे धीरे प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि पीछे से सप्लाई कम है। जब पीछे से सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, जब नए नए आते हैं टमाटर या प्याज, उस टाइम पे 10 रुपये किलो मिल रही है, क्योंकि पीछे से माल बहुत आ गया, कस्टमर से तो उतना ही लेना। तो मतलब इसी तरह से जो शेयर्स का प्राइस है, शेयर्स का प्राइस भी टोटली डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। एक्चुअली में मार्केट में ना कई बार न्यूज आ जाती है, रिलायंस वालों ने मान लो अनाउंस कर दिया कि हम एयरटेल के साथ डील कर रहे हैं, इससे दोनों बड़ी कंपनीज हमारी, रिलायंस को भी फायदा होगा, एयरटेल को भी फायदा होगा। अब शेयर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या लगेगा कि हाँ रिलायंस को भी फायदा हो रहा है, एयरटेल को भी फायदा हो रहा है, इनमें इन्वेस्ट कर दो, हमारे शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि इनको फायदा हो रहा है, हमारे भी शेयर ग्रो करेंगे, लोगों ने इन्वेस्ट करने शुरू कर देने हैं, सब इन्वेस्ट करेंगे, मैंने भी खरीद लिया 1000 शेयर, किसी ने 500 खरीद लिए, खरीदते के खरीदते के खरीदते के प्राइस बढ़ता गया क्योंकि डिमांड ज्यादा है, शेयर तो उतनी है,
डिमांड ज्यादा है, कोई 35 रुपए पे बेच रहा है, मैं कहूँ चल 36 पे दे दे, कोई 37 पे बेच रहा है, मैं कहूँ चल 38 पे दे, ऐसे करते करते हमने प्राइस बढ़ा ली। उसके बाद क्या हुआ, एयरटेल ने अनाउंस करना है कि जी हमारी जो रिलायंस के साथ डील करी थी कैंसल कैंसल, फटाफट लोगों ने बेचने शुरू कर देने। होएगा क्या, जब प्राइस बढ़ गया 2000 पे रेट पहुंच गया, ठीक है, उन्होंने अपने बेच देने हैं महंगे, फिर कह देंगे डील कैंसल, चलो भी डील कैंसल, और जब फिर प्राइस नीचे आ जाएगा फिर से खरीद लेंगे। मतलब ऐसे, ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ है, बट ऐसा होता है, ठीक है, कि जनरली बहुत सारी, आप अभी मैं आपको moneycontrol.com या ऐसी कुछ वेबसाइट दिखाऊंगा जहाँ पे टिप्स भी आते हैं, इवन कुछ लोग पेड टिप्स भी देते हैं फोन पे ना, आपको डेली की डेली आते रहेंगे कि ये शेयर खरीदो, ये बेचो, वो टिप्स भी ऐसे ही लोग फैलाते हैं कि हाँ भी इसका रेट बढ़ने वाला है, सारे जो ब्रोकर्स बड़े ब्रोकर्स हैं उनका आपस में कार्टल बना हुआ है कि हाँ जी इसका प्राइस उठा देते हैं, सबको बोल देते हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बाद में खुद की या जो जो खुद के क्लोज बंदे होते हैं उनके बिकवा देते हैं महंगे रेट पे, और मार्केट में फिर से मंदी, फिर से रेट जो है कम हो गया। ऐसे ही आप लोगों ने शायद हर्षद मेहता का स्कैम सुना होगा, हर्षद मेहता एक बंदा था, उसने ऐसे ही किया, उसने ना सारे पैसे क्या किया, अब वो भी एक ब्रोकर था, उसने अपने अपने सारे रिलेटिव्स, अपने क्लोज फ्रेंड्स के पैसे एसीसी के शेयर्स पे लगाने शुरू कर दिए। एसीसी का शेयर था उस टाइम पे 30 रुपए का, इतनी ज्यादा ओवर परचेजिंग करी, ओवर बिडिंग खरीद कर करके महंगा 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 खरीदता गया, एसीसी का शेयर 30 रुपए का शेयर था, 2000 पे पहुंच गया उस टाइम पे, उसने अपने और अपने क्लोज वाले सबके शेयर्स बिकवा दिए। जब मार्केट में वही, जब बेचने के लिए ज्यादा बंदे हो गए, मतलब आप इसको बोलते हैं आस्क, आगे बढ़ेंगे आस्क और बिड क्या, तो जब बिकने ज्यादा शुरू हो गए, इसका मतलब सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम है, फिर रेट कम होना शुरू हो जाता है। इन्होंने खुद के तो महंगे बेच दिए, खरीदे 30-30 रुपए में हुए थे, और खरीदते रहे, 40 का हो गया और खरीद लिया, 200 का हो गया और खरीद लिया, 500 का और खरीद लिया, ऐसे करके 2000 के ले, अब सारे बेच दिए। तो मतलब ऐसी ही चीजों के बेसिस पे ये जो शेयर्स का जो प्राइस है बढ़ता या घटता है, कि इन्वेस्टर का इस टाइम पे रुझान किस तरफ है। अब जैसे दिवाली आएगी, दिवाली पे पता है कि सारे लोग नई बाइक्स खरीदेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, ऐसी चीजों की लोग शॉपिंग करते हैं, गोल्ड खरीदेंगे, तो क्योंकि पता है कि इन कंपनीज को फायदा होगा, जो जो भी इन कंपनीज में डील करती है हम उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, और उनके शेयर के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे, और दिवाली के बाद एक बार थोड़ा सा डाउन आता है, फिर न्यू ईयर के टाइम पे बढ़ जाता है क्योंकि क्रिसमस का वीक होता है, लोग उस टाइम भी शॉपिंग करते हैं। मतलब इस तरह से जो शेयर मार्केट के प्राइजेस बढ़ते घटते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा था कि आपने एंटर करना है, तो आप एकदम से शेयर मार्केट को नहीं समझ पाओगे, आप 3000 पे इन्वेस्ट करोगे एकदम से आपका जो पैसा है जीरो भी हो जाएगा। मतलब आप कभी, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपके पैसे उठते हैं, कैसे बनते हैं, वो आपको एंड में दिखाऊंगा कि लाइव ट्रेडिंग कैसे होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो शेयर मार्केट है वो बड़े जो वहां पे टाइकून्स बैठे हैं वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट भी करते हैं, और हमने हमें ये पता होते हुए भी हमने किसी तरह से उनमें से पैसे कमाए, ठीक है। सबसे बड़ी जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ कि आप कभी भी टिप पे विश्वास ना करो, आपको न्यूज़पेपर में, आपको जी बिजनेस पे या इस तरह के और भी सारे न्यूज चैनल्स हैं, जो पर्टिकुलरली शेयर सीएनबीसी भी है, इस तरह से एनडीटीवी प्रॉफिट भी है, तो पर्टिकुलरली सारा दिन शेयर बाजार ही दिखाते रहते हैं, ठीक है, तो वो लोग वहाँ पे एडवाइजर्स बैठे होते हैं, टिप्स देते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो आपको पेड टिप्स देते हैं, फोन पे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको टिप्स देंगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, वो उन्होंने अपना प्रॉफिट देखना, आपका नहीं देखना, ठीक है। तो सबसे जो सही इन्वेस्टर होगा वो कभी भी टिप्स पे नहीं विश्वास करेगा, वो हमेशा कंपनी के फंडामेंटल्स पे विश्वास करेगा, कंपनी की बैलेंस शीट देखो, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स देखो, फ्यूचर प्लान देखो, कंपनी का बोर्ड कैसा बना हो, ऐसी कुछ चीजों को देखो और फिर इन्वेस्ट करो, ऐसी कंपनी लॉन्ग रन में ग्रो करती है, ठीक है। तो एंटर करने के लिए मैं फिर से आ रहा हूँ दोबारा कि म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट वे अगर आप बिगिनर हो एंटर कर। म्यूचुअल फंड क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ, मैंने क्या करना है कि थोड़े से पैसे वरिंदर सर से लेने हैं, अंकुर से लेने हैं, श्याम से लेने हैं, अलग अलग 20-25 बंदों से थोड़े थोड़े पैसे ले लिए, 200-200 रुपए ले लिए, मेरे पास हो गया 5,000। अब 5,000 को मैं क्या करूंगा, अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, 5,000 को मैं क्या करूंगा अलग अलग। सर बोर्ड विजिबल है, सर बोर्ड दिख रहा है या नहीं?
साफ विजिबल विजिबल। मैं है, थोड़ा यस सा डिटेल कराना चाहूंगा। देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस का शेयर खरीदना चाहता हूँ, सबको पता है इस टाइम पे रिलायंस अच्छा कमा रही है, चाहे वो जो भी हो, चाहे कोई कहे कि उनकी गवर्नमेंट के साथ अच्छी सेटिंग है, या कोई कहे भी मुकेश अंबानी का दिमाग बहुत तेज है, या उनकी अपनी फैमिली अच्छे तरीके से बिजनेस में इन्वॉल्व है, कुछ भी हो सकता है, सबको पता है रिलायंस अच्छा पैसा कमा रही है। आपको भी मैं दिखाऊंगा जो लाइस का जो शेयर है उस टाइम पे ठीक है। अब मैं 500 पे मैं अगर लाइन से शेयर मांगू तो मुझे नहीं देगा, क्योंकि कम से कम एक शेयर उनका 2400 रुपये का, सो आई कांट इन्वेस्ट, मैं 500 इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सतवंत इधर से सतवंत कौर है कोई, वो ना अनम्यूट हेलो। जो 500 रुपीज है मेरे पास, क्योंकि 500 ही है मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकता, मतलब क्योंकि 2400 रुपये का कम से कम शेयर है, ऐसा जरूर कर सकता मैं। एक मेरा फ्रेंड 500 बोलता ले, एक और फ्रेंड 700 रुपये बोलता ले, और 700 रुपये बोल रहे, हमारे पास 2400 रुपये, फिर हम एक शेयर खरीद, फिर हम एक शेयर खरीद, ऐसा हो सकता है। बट क्या मेरे फ्रेंड्स मानेंगे? मेरा दिमाग ऐसा चल रहा है कि कंपनी अच्छी चले चल रही है, मतलब रिलायंस अच्छा ग्रो करेगी, ऐसे करते हैं 500 रुपये लगाते हैं, शेयर खरीद लेते हैं, बढ़ जाएगा, फिर हम बेच देंगे और इसमें से पैसे कमा लेंगे। क्या मुझे ऐसे लाइक माइंडेड लोग आप मुझे आसपास मिलेंगे? आप लोग आप आज लेक्चर सुन के चले गए, आपको लगेगा कि म्यूचुअल फंड अच्छे हैं या शेयर अच्छे होते हैं, इन्हें लगाना चाहिए। पहली बात आपके घर वाले नहीं मानेंगे, या आपके फ्रेंड्स कहेंगे यार ऐसी होती है बातें, कोई फायदा नहीं इन्वेस्ट करने का। तो मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, हमें इस तरह के लाइक माइंडेड जो हमारी वाली बात को एग्री करेंगे कि भाई तू कह रहा है इसमें पैसे लगा दो, और लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। कभी इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए म्यूचुअल फंड्स बने। म्यूचुअल फंड वालों के पास मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 500 500 हजार हजार पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छी रिटर्न भी चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड के लिए टूल है, उसमें बहुत सारे बंदे अपने 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 पैसे डालते हैं, इसके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, मान लो सपोज 5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया लोगों से, इन्होंने 5 लाख को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर देने, थोड़े से शेयर इन्होंने रिलायंस के ले लेने हैं, थोड़े से टाटा के ले लेंगे, थोड़े से अशोका लेलैंड के ले लेंगे, थोड़े से पैसे की एफडी करा देंगे, थोड़े से पैसे किसी डेट फंड में लगा देंगे, अलग अलग जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। होएगा क्या, वो 5 लाख रुपए अब अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट हो गए, पूरी मार्केट में इन्वेस्ट हो गए, वो जो अलग अलग जगह से जो भी उनको रिटर्न आएगी, मान लो एक म्यूचुअल फंड वाले ने 50 जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो 50 जगहों की जो भी टोटल रिटर्न आएगी उसकी एवरेज उतने परसेंट मेरी ग्रोथ होगी। मान लो 50 जो जगह पे उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, ये जरूरी नहीं कि 50 की 50 में से प्रॉफिट हुआ हो, कई डूबे भी होंगे, बट ओवरऑल अगर 50 का, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट में 50 कंपनी में 50 50 इकट्ठी डूब गई, होता है किसी में स्कैम भी निकला है, किसी का घपला भी हो जाए, कोई एक कंपनी में डूब गए दूसरी में डूब गए, बट क्योंकि हमने 50 जगह में पैसे लगा रखे हैं तो 50 जगह से कहीं हमें फायदा होगा कहीं में नुकसान होगा, ओवरऑल जब भी देखेंगे तो गेन ही होगा, जितना इन्वेस्ट किया तो उससे बढ़ेगा ही। अब म्यूचुअल फंड वाले ने यही करना है, म्यूचुअल फंड वाले ने पैसा आपका थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया वो खिलार के लगा देना अलग अलग जगह पे, और जो भी एवरेज रिटर्न आएगी वो आपने बांट देनी है कि तेरे 500 रुपए के पीछे ये 4 रुपए बढ़ गए, ये तेरे 700 के पीछे 8 रुपए बढ़ गए, ऐसे सबको थोड़ी थोड़ी रिटर्न दे रहे। अब इससे मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ, एक तो मेरे 500 रुपए थे, मेरे को रिलायंस का शेयर नहीं मिला, दूसरा अगर मैं रिलायंस का किसी तरह से 2400 रुपये इकट्ठा शेयर लगा भी देता, ले भी लेता 2400 रुपये में एक शेयर है, रिलायंस का कल को कुछ कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, कोई कोई एक्सीडेंट हो जाए उनकी फैक्ट्री में या कुछ है, या गवर्नमेंट चेंज हो जाए, रिलायंस की उनके दूसरी गवर्नमेंट के साथ इक्वेशन ना बने, मेरे 2400 का 1800 रह जाए। मतलब म्यूचुअल फंड हमें क्या करता है, एक बेनिफिट और देता है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, कि मेरे पास क्योंकि लिमिटेड पैसा है मैं अलग अलग जगह पे क्लियर के नहीं लगा सकता, बट म्यूचुअल फंड वालों के पास हमारे मेरे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा होकर चला गया,
अब वो पैसा क्योंकि इकट्ठा काफी ज्यादा है, 10 लाख 12 लाख इनके पास, मतलब ऐसे होते हैं 50 करोड़ 100 करोड़, छोटे छोटे इन्वेस्टर से दो दो चार चार सौ रुपए इकट्ठा करके ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब 100 करोड़ रुपये इकट्ठा हो गया। अब इन्होंने थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पे लगा के ना, वो अलग अलग जगह से किसी में घाटा किसी में फायदा, जो भी एवरेज गेन होगा वो सब में थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। ये म्यूचुअल फंड का काम होता है, ठीक है। तो सेफेस्ट वे टू एंटर इन द शेयर मार्केट इज टू परचेज म्यूचुअल फंड। तो आप म्यूचुअल फंड खरीद, म्यूचुअल फंड में एक तो फंड मैनेजर होता है जो कि ये एक्सपर्ट होता है, जो जिसको पता होता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। उसको ज्यादा समझ हमारे से, अगर मैं फिर से नमन गुप्ता से, मतलब म्यूचुअल फंड वालों को मेरे से ज्यादा समझ है। अगर मेरे पास मान लो 1 करोड़ भी होता तो इधर से मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ अपना, साथ में मैं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता हूँ, तो क्या मैं सारा दिन मॉनिटर कर सकता हूँ कि भी इस टाइम पे रिलायंस का कितना शेयर हो गया, टाटा का कितना शेयर हो गया, उसका कितना हो गया, कभी खरीद लिया कभी बेच दिया, फिर तो या तो मैं वही काम करूँ अपना पर्सनल बिजनेस छोड़ दूँ। हमने इन्वेस्टमेंट इसको, ये जो म्यूचुअल फंड या शेयर है ना, मैं कभी भी, मैं ये सलाह नहीं देता या कोई भी बड़ा जो भी शेयर मार्केट के बंदे हैं वो कभी भी ये सलाह नहीं देते कि सारा टाइम आप इन्वेस्टमेंट में ही लगा दो, अपना जो कोर बिजनेस है उसको करते रहो, आपने इसको एज साइड बिजनेस लेना। तो साइड बिजनेस अगर आप इसको लेते हो, ये नहीं कि अपना जो कोर बिजनेस है या कोर जॉब है उसको आप खराब ही कर दो, उसको खत्म ही कर दो। अगर आपके पास पैसे हैं 10-15 लाख 20 लाख या 50 लाख 60 लाख, अगर आप खुद ही कभी वो शेयर खरीदोगे कभी वो बेचोगे कभी वो खरीदोगे, तो आपका सारा टाइम उसी में निकल जाएगा, आपकी जो कोर जॉब है जिससे आपने पैसे कमाया था वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए, वो जॉब ही चल अरे जाएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड इज सेफेस्ट वे, उसमें 100 रुपए भी लगा सकते हो। एक ना आपने सुना होगा सिप, SIP सिस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उसमें क्या होता है कि आप महीने का फिक्स कर लो कि मैंने 200 रुपये लगाना म्यूचुअल फंड में, तो 200 रुपये के म्यूचुअल फंड आपके हर महीने खरीदे जाएंगे, साल के एंड में आपकी 2400 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी, वो अप्रोक्सीमेट 2800-3200 बन चुका होगा साल के। वो क्या करते हैं, हर महीने आपसे 200-200 रुपये लेके अपने पूल में जमा करी जा रहे हैं, वो पूल अपने आप इन्वेस्ट कर देते हैं बाकी में, और जो भी एवरेज रिटर्न होती है आपके फिर उसमें पूल में ऐड कर देते हैं कि अब 200 का आपका 10-225 हो चुका है अगले महीने, फिर और इन्वेस्ट कर दिया आपका 425 हो गया, फिर शेयर्स में लगा हुआ है जो भी उससे रिटर्न आएगी आपका 450-500, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड इसलिए अच्छी चीज है क्योंकि उनके पास फंड मैनेजर्स हैं, एक फंड मैनेजर नहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, जिन जो जो कि सारा दिन मार्केट को एनालाइज करते रहते हैं, कहाँ से प्रॉफिट होगा कहाँ पे लॉस होगा, वहां वहां पे छांट छांट के इन्वेस्टमेंट्स करनी और उससे किस तरह से रिटर्न जनरेट करनी, क्योंकि जितनी ज्यादा रिटर्न वो जनरेट करेंगे उनका भी उसी में से कमीशन बनना है म्यूचुअल फंड कंपनी का, ठीक है। और फिर जो बचा वो हमें दे देंगे। ये म्यूचुअल फंड, मतलब इससे हम इनडायरेक्टली, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि म्यूचुअल फंड से हम इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। किसी को कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में पूछना, आपने अगर एड्स भी देखी हो उसमें भी क्या बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, ये लाइन सब बोलते हैं। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड आपका, आप म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को नहीं पैसा दे रहे, आप ये नहीं कह रहे कि आप मुझे कमा के दो धक्के से, वो कह रहे हैं कि आपका पैसा लेंगे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, अगर मार्केट बढ़ी तो आपका पैसा भी बढ़ जाएगा, अगर मार्केट ना बढ़ी तो आपका पैसा भी डाउन आ जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि वो पैसा बहुत सारी 50-50 100-100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, 100-100 जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, तो कभी भी पैसा डूबता नहीं है, इन द लॉन्ग रन पैसा बढ़ता ही है। मैंने आपको पिछले 20 साल के रिटर्न आपको बताई ही है कि अप्रोक्सीमेटली 12%, ये सारे म्यूचुअल फंड्स की नहीं, कुछ म्यूचुअल फंड्स ने 15-16-18% भी रिटर्न जनरेट करके दी हुई है, कुछ म्यूचुअल फंड्स ने इससे कम भी करी हुई है, तो 12% एवरेज ये हर एक म्यूचुअल फंड कमा के दे देते हैं। इज इट क्लियर? म्यूचुअल फंड मैं सर चैट बॉक्स, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, ये कोई बच्चा पूछ रहा है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। देखो बच्चे, म्यूचुअल फंड्स में कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ना कुछ तो होते हैं कोर कि आपको रिटर्न देंगे, जैसे ना म्यूचुअल फंड की भी आगे कैटेगरीज होती है, एक्चुअली हमारा अकेले म्यूचुअल फंड पे नहीं है ना लेक्चर, तो इसके और म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं। उसने क्या है कि आपने म्यूचुअल फंड वालों को पैसे दिए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज में करने हैं, कुछ वो FD करा देंगे, कुछ किसी की कंपनी के डिबेंचर खरीद लेंगे, कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लेंगे, वो डेट फंड्स होते हैं जिनमें उनको फिक्स रिटर्न मिलनी है, उसमें उनको जो साल की रिटर्न आनी है वो 7-8% 10% आनी है आपके लिए, ठीक है।
कुछ ऐसे होते हैं जो प्योरली इक्विटी फंड्स होते हैं, इक्विटी में पैसे लगाते हैं, शेयर्स में पैसे लगाते हैं, मतलब कई हाइब्रिड होते हैं, कुछ इक्विटी में लगा दिए, कुछ डेट में लगा दिए, इस तरह के अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। अब टैक्स सेविंग का भी इसमें एक बेनिफिट मिल जाता है, अगर आप कोई, आप में से कोई इनकम टैक्स का स्टूडेंट है, 80C की डिडक्शन भी मिल जाती है अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो, जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करते हो अप टू 1.5 लाख एक साल में आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, तो अगर टैक्स की डिडक्शन लेनी है, ज्यादा जितनी मर्जी इन्वेस्ट करो, टैक्स की डिडक्शन आपको 1.5 लाख तक की मिल जाती है अगर आप टैक्स की इनकम की डिडक्शन मिल जाती है। मान लो आपने 8 लाख रुपए कमाया साल का, 1.5 लाख म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो आपकी इनकम मान ली जाएगी कि आपने 6 लाख 50 हजार कमाया, बट उसके लिए कंडीशन है, म्यूचुअल फंड वाले कहते हैं कि कम से कम 3 साल के लिए हमारे पास लगा के रखो, ठीक है, कि 3 साल तक आप उनके पास अपना पैसा ब्लॉक करके रखो, फिर आपको टैक्स की डिडक्शन भी मिल जाती है, ठीक है। अदरवाइज ये म्यूचुअल फंड है या शेयर्स हैं, ये सेलेबल होते हैं, मान लो मुझे अभी पैसे चाहिए, अभी मैं यहाँ से, आस्क होता है, एक आस्क होता है, आस्क का मतलब है कि क्लिक करो, रेट बता दो कि मैंने इस रेट पे बेचना है, साथ ही में 10-15 मिनट में मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं या शेयर्स हैं बिक जाएंगे मेरे अकाउंट में पैसे, ठीक है। एक बड़ा फायदा इन इन्वेस्टमेंट्स का ये भी है कि जब मर्जी पैसे चाहिए आपको मिल जाते हैं, FD कराओ या PPF में डालो, उनका लॉकिंग पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड से पहले बेच नहीं सकते। क्लियर म्यूचुअल फंड, आई होप सबको क्लियर है, चैट बॉक्स में किसी ने नहीं पूछा हुआ। वरिंदर सर, इज इट गोइंग फाइन? गोइंग प्रीटी वेल वरिंदर सर, सर गुड। ठीक है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट आ गया म्यूचुअल फंड में, मैं बता रहा था आपको कि तरह तरह के फंड्स होते हैं, अब लार्ज कैप फंड्स भी बता रहा हूँ, लार्ज कैप कंपनीज भी बता रहा हूँ, कौन सी कैसी कैसी होती है। लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जिनका जो टोटल, मतलब लार्ज कैप फंड्स कौन से होते हैं, जिन्होंने अपने टोटल फंड्स में से, मान लो मैंने म्यूचुअल फंड वालों को पैसे दिए, उन्होंने उसमें से 80% पैसा कम से कम लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाएंगे। लार्ज कैप स्टॉक्स मतलब कि वो कंपनीज जिनका टोटल, जो भी इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से जो मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर के हिसाब से जो टॉप के 100 बेसिस पे आती है, उन कंपनीज को बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन बताई थी कि कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू करे हुए हैं इनटू उनका करंट मार्केट प्राइस, उसके हिसाब से जो भी, मान लो जो भी टाटा की वैल्यू बनती है, रिलायंस की वैल्यू बनती है, ऐसे अशोका लेलैंड की, एसी सीमेंट की, अंबुजा सीमेंट की, सबकी ऐसे रो निकाल ली, मान लो 2000 कंपनी है, 2000 कंपनीज की वैल्यू निकाल ली, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल ली, टॉप की 100 उठा लेनी है वैल्यू के हिसाब से, उनको बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। तो लार्ज कैप फंड्स क्या करते हैं, अपने पैसों में से 80% से ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगाते हैं। इन फंड्स में पैसा लगाने का ये फायदा होता है कि इन, ये जो कंपनीज में पैसे हमारे जाते हैं इन फंड्स की तरफ से, इनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है और इन्होंने, इनकी हिस्ट्री भी होती है, जैसे रिलायंस का ना, अगर हम 15 साल पहले की बात करें, रिलायंस का शेयर होता था 200 रुपये, अब आज की डेट में 2400 रुपये, तो इतना ज्यादा जंप, मतलब आपको 10 गुना पैसे बढ़ गए 15 साल में। प्रॉपर्टी की रील तो 15 साल में 10 गुना थोड़ी बढ़ी है, 3-4 गुना 5 गुना हुई होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लार्ज कैप कंपनीज की हिस्ट्री होती है कि इन्होंने अच्छा पैसा अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया, और इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है इजीली अवेलेबल होती है उनकी वेबसाइट पे, उनकी एनुअल स्टेटमेंट्स में, या जैसे बड़े जो बिजनेसेस, जो बड़े चैनल्स होते हैं, जी बिजनेस या इस तरह के चैनल, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनीज की डिस्क्लोज भी करते हैं, इनकी वेबसाइट पर भी सारा कुछ होगा, तो इसलिए इन्वेस्टर के लिए ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट है, इस तरह के फंड इन्वेस्टमेंट अगर वो करते हैं तो अच्छी रिटर्न मिल जाती है। इसमें ये होता है कि लोग इन फंड में, वो बंदे इन्वेस्ट करते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा कम होता है, कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो जाते हैं भी हाँ, रिलायंस टाटा के, अशोका लेलैंड के, एसी सीमेंट के, रिनॉन्ड बंदों के ही, मैं रिनॉन्ड कंपनीज के ही शेयर खरीद। अब क्योंकि रिनॉन्ड कंपनीज बहुत ज्यादा ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, तो अब इसके बाद बहुत ज्यादा रिटर्न के चांसेस नहीं होते, रिटर्न देते जरूर, मतलब लॉस नहीं होने देते, बट मीडियम से रिटर्न देते हैं, 7-8% 9%। इसके अलावा बाद में दूसरे नंबर पे आते हैं मिड कैप फंड्स, ये भी आपने सुना हुआ होगा, मिड कैप कंपनीज होती हैं। मिड कैप कंपनीज, ये मैंने यहाँ पे टॉप 100 गलती से लिख दिया, 100, 1 टू जो 250 तक रैंक में आती हैं, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, वही मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो 101 से लेके 250 तक रैंक वाइज, मतलब कोई
ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन कि कितने कितना बड़ा उनका कैपिटलाइजेशन, मतलब कितना बड़ा उनकी मार्केट में वैल्यू है, उसके हिसाब से 101 से लेके जो 250 तक कंपनीज आती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मिड कैप कंपनीज। और जो म्यूचुअल फंड्स वाले अपने पैसों का टोटल कॉर्पस का 65% से ज्यादा मिड कैप कंपनीज में लगाते हैं, उन फंड्स को बोल देते हैं हम मिड कैप फंड्स। ठीक है, इनमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है इन फंड्स में लगाने का, और रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज ऐसी होती है कि जो सून ही बड़ी जल्दी ही शायद लार्ज कैप कंपनीज बनने वाली है, कि अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। रिस्क थोड़ा सा ज्यादा इसलिए है क्योंकि इनसे जो इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, रिलायंस या टाटा या कह लो कि अशोका लेलैंड या इस तरह से बजाज ऑटोस, इन कंपनीज से जितनी इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ये जो मिड कैप कंपनीज है इनमें से जो इन्फॉर्मेशन के डायरेक्टर कौन कौन से हैं, उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उनका पिछले 10 साल का रिकॉर्ड क्या है, उतने अच्छे तरीके से नहीं मिलता। ठीक है, तो मिड कैप कंपनीज आफ्टर लार्ज कैप कंपनीज दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप फंड्स, वो फंड्स जो अपने टोटल पैसों का 65% से ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज जो बाकी बची 250 के भी बाद वाला रैंक, 251 ऑनवर्ड्स, मान लो 2000 कंपनीज है इंडिया में, ठीक है, तो जो पहले 250 में नहीं आई वो सारी स्मॉल कैप कंपनीज होगी। इनमें ज्यादातर कंपनीज वो होती हैं जो कि जिनका जिनका नया नया बिजनेस है, नया नया वेंचर है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, चल गया तो बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न, तो इसमें हाई रिस्क होता है, सिर्फ वही इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होता है, जो ज्यादा रिस्क और ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप म्यूचुअल फंड सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं, शेयर्स में, तो शेयर्स भी आप लोगों को आई होप के क्लियर हो गए कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स तो सबको पहले ही पता, आपने शेयर के अपने चक्कर में पड़ा हुआ है, कंपनी के एंड से पड़ा हुआ है और इन्वेस्टमेंट के एंड से पड़ा हुआ है कि हम इन्वेस्टमेंट शेयर्स में क्यों करते हैं, शेयर्स की रिटर्न अच्छी होती है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने कैसे। ठीक है, अब इसके बाद आपको मैं लेके चलता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स खरीदने कैसे हैं। जहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आप चैट में डाल दो अगर किसी ने कुछ भी पूछना है। यस सर, ओके, ठीक। तो इसके बाद मैं आपको फटाफट ये ना, एक आपने सुना होगा डीमैट अकाउंट, ठीक है, अपना शेयर्स जैसे ही पहले होता था कि किसी टाइम आपको, आपने मान लो रिलायंस का एक शेयर खरीदा 1500 रुपये का, तो एक कागज मिलेगा आपको कॉन्ट्रैक्ट की तरह, रजिस्ट्री की तरह, कि हाँ जी आपके पास रिलायंस का एक शेयर है जी 1500 रुपये। अब आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल आपका डीमैट अकाउंट बन जाता है। डीमैट का मतलब डी मटीरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब कि अगर आपको फोन ना दें, फोन की जगह पे कुछ वैसे ही दे दें कि आपको मिल गया, या जैसे अब आपको पता होगा गोल्ड की जगह पे गोल्ड इंडेक्स बॉन्ड्स भी आ गए, आप गोल्ड ना बॉन्ड्स खरीद लो, आप 50,000 के, मान लो 50,000 रुपये का तोला चल रहा है गोल्ड का, आप ऐसे करो 50,000 के गोल्ड इंडेक्स बॉन्ड्स खरीद लो, मान लो तोला 55 का हो गया, आपके बॉन्ड्स भी 55 की हो गए। एक्चुअल में आपके पास गोल्ड नहीं आया, बट आपके वो जो बॉन्ड्स हैं 50 के आप 55 के हो गए, तो आप बेच लो 55 के, 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही गोल्ड लेते फिर बेचते तो भी 5,000 ही बनता, तो उसको बोलते डी मटीरियलाइजेशन। एक्चुअल में मटीरियल नहीं लिया, उसकी जगह पे आपने बस आपके अकाउंट में उन्होंने क्रेडिट कर दिया। अब जैसे बैंक वालों ने कर रखा होता है कि मेरे अकाउंट में, मैं कहता हूँ 2 लाख पड़े हैं, वो कौन सा भी मेरा एक गल्ला लगा रखा है उन्होंने कि अमित का गल्ला है, उसमें 2 लाख रुपए डाल के रखो, उन्होंने बस कह रखा है कि हाँ जी आपके 2 लाख पड़े हैं, जब चाहिए होंगे निकलवा लेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते डी मटीरियलाइजेशन कि भाई आप अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, डेबिट भी हो जाएंगे इसमें से, कट भी जाएंगे जब आप कहोगे, और खरीदने होंगे और खरीद के डाल देंगे, बेचने होंगे इनमें से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये एक मेरा डीमैट अकाउंट है, ये मैंने मेरे फ्रेंड का डीमैट अकाउंट है। उस डीमैट अकाउंट में आपको मैं दिखाता हूँ, इस पहले तो सब लोग ये देखो कि पहले आप लोगों ने डीमैट अकाउंट देखा हुआ है, किसी ने पहले डीमैट अकाउंट देखा हुआ है? चलो इसमें नहीं आ रहा, चलो मैं ऐसे बताता हूँ। ये डीमैट अकाउंट का ना मेरे का होम पेज है, मतलब मैंने डीमैट अकाउंट को ओपन किया, प्रियंका कह रही है मुझे, तो बच्चे ये देखो ये डीमैट अकाउंट है मेरा, ये मेरी ना, अब आजकल तो ना पहले होता था ये बड़ी चीज़ डीमैट अकाउंट,
अब आप लोगों को अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सब चलाना आता है। अमेजोन पे या मिंत्रा पे या फ्लिपकार्ट पे देखती हो, एक विश लिस्ट होती है। विश लिस्ट का मतलब है ये चीज मुझे बताते रहना, स्पेशली जब कम होएंगे मैं खरीद लूंगा। तो ये एक मैंने विश लिस्ट बनाई है, विश कि इनके शेयर्स के रेट तो जरूर देखने ही देखने हैं डेली। ये मेरे साइड पे पड़ी है कि कोटक बैंक का रेट बताओ, एमएक्स लाइफ का बताओ, ऐसे ही महिंद्रा, ऐसे कैम्स का, आईसीआईसी बैंक का, आईआरसीटीसी का, इनके रेट्स बताते रहे, ठीक है। तो ये डीमैट अकाउंट में मेरी विश लिस्ट है, इसमें कुछ ऐड करना है। ऐड स्क्रिप्ट का मतलब है एक और शेयर कोई भी कंपनी, जैसे मैं रिलायंस का मान लो इसमें ऐड कर, किसी का भी ऐड कर सकता हूँ। ये एक विश लिस्ट है मेरे डीमैट अकाउंट में पड़ी। ये ऊपर मुझे दिखा रहा है कि आज का जो सेंसेक्स है वो 20% गिरा है, 20.20%। 0.20 का मतलब है 1% का भी पांचवा हिस्सा गिरा है, ठीक है। मतलब इस टाइम पे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, सेंसेक्स मैंने बोला था बीएससी का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी का इंडेक्स जो सेंसेक्स है, इसकी वैल्यू है 44,000। ये लगातार बढ़ता घटता जाता है एवरेज के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही निफ्टी का, एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी, वो दिखा रहा है कि ये भी अप्रोक्सीमेटली आज के दिन में ये साथ में दिखा रहा है कितना बढ़ रहा है कितना घट, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा, ये इस तरह से ये भी इंडेक्स भी दिखा देगा, ये आ रहा है, ये निफ्टी का इंडेक्स आ गया ये निफ्टी का इंडेक्स आ गया कि ये कितना बढ़ घट रहा है, ठीक है। एक और चीज आपको बताता हूँ, डिस्प्ले, ये मेरे पास डिस्प्ले का ऑप्शन है कि आपको किस तरह, ये ना चार्ट्स की भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे आपने पढ़ा ना पाई चार्ट, ग्राफ, बार डायग्राम, इस तरह से मैंने यहाँ पे कैंडल भी ओके कर रखे हैं। तो ये मुझे कैंडल चार्ट दिखाता है, अगर मैं इसको कर दूँ लाइन तो मुझे लाइन दिखाने लग जाएगा। तो मुझे मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से कि मुझे किस तरह से मार्केट को देखना पसंद है, किस तरह के ग्राफ्स को मैं इजिली अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, तो मैं उस तरह का व्यू देख सकता हूँ निफ्टी का भी, इसी तरह से सेंसेक्स का। ये सेंसेक्स का आ गया व्यू कि एक टाइम पे आज ये अच्छा, ये भी देख लो, ये मैंने एक मंथ का खोला हुआ है, एक मिनट का, 3 मिनट का, इस तरह से अगर मैं और जाऊं आगे, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 महीने का, 1 वीक का, जितनी भी देर का मैं सेंसेक्स का ग्राफ देख सकता हूँ, पिछले 10 साल का भी देख सकता हूँ, पिछले 20 साल का भी सेंसेक्स का ग्राफ देख सकता हूँ, पिछले 2 दिन का, पिछले 2 घंटे का भी देख सकता हूँ, ठीक है। सेंसेक्स इस टाइम पे बढ़ रहा है घट रहा है, डिटेल में वो बता रहा है कि सुबह कितना था आज कितना है। मैंने यहाँ पे 1 डे का देखता हूँ, आज का सुबह का, आज सुबह यहाँ पे मैं लेके गया कर्सर, कहता आज सुबह, आज 1 डे का नहीं है, ये अगस्त सितंबर आज है कि नहीं, आज है 13, 13 को 20, ये रहा, यहाँ पे दिखा रहा है कि ओपन क्लोज, ये देखो कि ओपन क्लोज कितनी तारीख को कितने बजे हुआ, मतलब ग्राफ पे मैं जहां जहां कर्सर लेके जा रहा हूँ बता रहा है कि इस डेट को इस इतने बज के इतने मिनट पे ये आपके सेंसेक्स की वैल्यू थी, ठीक है। मतलब सेंसेक्स निफ्टी का ग्राफ मेरा डीमैट अकाउंट पर्सनली मुझे दिखा रहा है। कई बार हो सकता है कि मुझे भरोसा ना हो अपने डीमैट अकाउंट में, क्योंकि ये तो पर्सनल है किसी ब्रोकर का, मैं गूगल पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा सेंसेक्स, आप भी जैसे आपके पास डीमैट अकाउंट है सेंसेक्स लिखो, ये सामने ही आ गया, आज का दिखा रहा है कि देखो जी 40,674 पे स्टार्ट हुआ था, इस टाइम पे 40,532 हो गया। सिंपल गूगल पे जाना है, फोन पे भी आप कर सकते हो, सेंसेक्स लिखो, इस टाइम पे क्या सेंसेक्स का, सेंसेक्स किस लेवल पे चल रहा है, किस प्राइस पे चल रहा है, वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। आप इस पे भी 5 दिनों का पिछला देख सकते हो, 5 साल का देख सकते हो, जितने भी देर का आप देखना चाहते हो, आपको इस तरह से सेंसेक्स दिख जाता है। इसी तरह से निफ्टी लिखूंगा, निफ्टी आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, सबको समझ आ गया सेंसेक्स निफ्टी कैसे, ये बने कैसे आपको बता दिया, इनकी मूवमेंट आपको शो कर, क्लियर। इसके बाद ये जो मैं अपनी विश लिस्ट की बात कर रहा था, ये ग्राफ मुझे मेरी विश लिस्ट का भी दिखा देगा, ये मेरा कोटक बैंक का ग्राफ है, ये दिखा रहा जस्ट। तो
ये ग्राफ अकेला मुझे बड़ा करके भी दिखा रहा है कि कोटक का ये जो ग्राफ है इस तारीख का, ये आगे आगे लेके जा रहा हूँ, डेट भी यहाँ पे चेंज कर रही है, यहाँ पे डेट चेंज हो रही है, ठीक है। ये ग्राफ दिखा रहा है कि कोटक की मूवमेंट्स क्या है, कोटक के शेयर की, ऐसे एमएएच लाइफ की, ठीक है, ऐसे ही महिंद्रा की, ऐसे ही सीएएम्स की, ऐसे आईसीआई बैंक की, हर एक उसका मुझे ग्राफ दिखा रहा है। ये जरूरी नहीं कि जो मेरे विश लिस्ट में पड़े हैं सिर्फ उसी का ग्राफ दिखाएगा, मैं किसी का भी ग्राफ देख सकता हूँ। यहाँ पे कंपनी का नाम भरूँ, ये ट्रेड में है ना, फंड्स में देखो, ठीक है, किसी भी कंपनी के मैं नाम फिल करूँ यहाँ पे अपने, जी यहाँ पे सर्चेस में मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिलायंस फिल कर देता हूँ, रिलायंस, रिलायंस का ट्रेंड दिखा रहा है, रिलायंस का बता रहा है रेट आज का कितना है, 2,243 रुपये ऊपर ग्रीन, राइट साइड पे जो ग्रीन दिखा रहा है, इस टाइम पे रिलायंस का शेयर 2,243 रुपये का है, ठीक है। तो मतलब उसका ग्राफ भी दिखा रहा है कि अगर इस डेट को देखें ग्राफ कहाँ से उठा, 14,1451 का, मतलब ये ग्राफ एक एक कंपनी का एनालिसिस, मेरे ये पर्सनल क्या है, मेरा डीमेट अकाउंट, उसमें एक एक कंपनी का एनालिसिस पड़ा है। अगर मुझे इस पे नहीं भरोसा तो मैं गूगल पे जा सकता हूँ, गूगल पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको जो मुझे सर ने बोला था कि ये बताना है स्पेशली कि ट्रेड कैसे करते हैं, खरीदते कैसे, तो सबसे पहले तो डीमेट अकाउंट आप लोगों को पता होगा, डीमेट अकाउंट ये पर्सनल है, स्टॉक्स वाले हैं फ्री में दे देते हैं डीमेट अकाउंट, तो आप इनको मतलब थोड़ी सी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी होती है, तो ये मुझे जो फ्री वाला डीमेट अकाउंट मिला हुआ है, ठीक है, उसमें मैं अपनी ट्रेडिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर सकता हूँ, ये मेरा कॉमन है, तो वो खरीद लेता मैं खरीद लेता हूँ। इसके साथ जैसे आपके मिंत्रा में होता है ना, या आप किसी ने रैपिडो बुक कराई हो या किसी ने ओला कैब बुक कराई हो, एक तो उसके बीच में वॉलेट होता है, ओला कैब का खुद का वॉलेट है या रैपिडो का खुद का वॉलेट है, प्लस आपके बैंक के साथ भी लिंक हो जाता है, या आपके फोन पे के साथ या आपके गूगल पे के साथ भी लिंक हो जाता है, उसी तरह से मेरा डीमेट अकाउंट भी लिंक है, डीमेट अकाउंट मेरे बैंक के साथ भी लिंक है और इसके खुद के वैलेट में भी मेरे में पास पैसे, मैं खरीदूंगा अगर मेरे वॉलेट से ज्यादा पैसों की वो शेयर है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली मेरे बैंक में से पैसे काट लेगा, अगर मेरे वॉलेट के जितने पैसे मेरे वॉलेट में पड़े हैं अगर उतने ही के शेयर खरीदने हैं तो उसी में से काट लेगा, क्लियर है। अब मतलब वो दिक्कतें नहीं है कि भाई हम पेमेंट कटवाएंगे, बैंक वाले को फोन करेंगे मेरी और उसको पेमेंट करेंगे, कुछ नहीं है, डीमेट अकाउंट इज जस्ट लाइक योर योर रैपिडो या योर मिंत्रा अकाउंट, उसी तरह से है कि आप परचेज करो, विश लिस्ट बना लो, कुछ भी खरीदना है बता दो कि मैं खरीदने लगा हूँ, आपके शेयर आपके अकाउंट में से पैसे कट के वो चीज आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रेड, अच्छा ट्रेड से पहले एक और चीज, ये ना मेरे ऑर्डर्स पड़े हैं, ऑर्डर्स का मतलब क्या है कि भाई मैंने इनको क्या कह रखा है करने को, ये ना मैंने आज ही शेयर्स बेचे हैं सीएएम्स के, कैम्स के शेयर बेचे हैं मैंने, 6 शेयर बेचे, किस रेट पे बेचे हैं, 1,306 पे, ठीक है, ये मतलब मेरा दिखा रहा ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर के बाद ऐसी ओपन की कमांड है, ओपन का मतलब क्या है कि इस टाइम पे मेरा कौन सा ऑर्डर चल रहा है, क्लोज्ड क्लोज में दिखाएगा मेरा कौन सा ऑर्डर खत्म हो चुका है इस टाइम पे, मेरा फाइंड क्लोज्ड इस टाइम पे कोई भी ऑर्डर आ गया, ये मेरा क्लोज्ड ऑर्डर है कि ये आपने ऑर्डर किया था अब ये क्लोज हो चुका है। एक्चुअली मैंने बोला था कि मेरा जब शेयर का प्राइस 1,306 पे आ जाएगा ना तो बेच दे, तो मेरा 1,306 पे जब आया तो ऑटोमेटिकली बिक गया, ठीक है। ओपन का मतलब है कि इस टाइम पे मैंने कोई ऑर्डर दे रखा है, नहीं दिया हो इसलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है, ये ऑर्डर टोटल दोनों का इकट्ठा दिखा देगा कि ओपन और क्लोज, अगर ऑर्डर पे क्लिक करूंगा, ठीक है, ऑर्डर में क्लोज्ड और ओपन। इस तरह से पोजीशंस, पोजीशंस में मुझे क्या दिखाता है, पोजीशंस में मुझे दिखाता है कि क्या आपको ये शेयर बेच के फायदा हुआ है या नुकसान हुआ। अब ये क्या कह रहा है कि भाई अगर आप शेयर ना बेचते ना, इस टाइम पे एवरेज 316 रुपये प्राइस चल रहा है, आपको इतना एक तरह से गेन हो गया, मतलब मैंने बेच के अच्छा किया, बेच के अच्छा किया और मेरे को अभी दिखा रहा है कि 50 रुपये का फायदा, अगर मैं ना बेचता तो मुझे 50 रुपये का लॉस होना था, समझ रहे हो, जब आप अच्छा डिसीजन ले लेते हो हम कहते हैं बच गए, ये वो बता रहा है कि बच गए आपके इतने पैसे बच गए कि इस टाइम पे ये रेट चल रहा है,
ठीक है, ये एलटीपी होता है, करंट प्राइस, ये प्राइस जिस पे मैंने बेचा। फिर से समझ लो, एवरेज प्राइस मतलब जिस प्राइस पे मैंने बेच दिया, करंट प्राइस मतलब ये एलटीपी, एलटीपी मतलब करंट प्राइस की इस रेट पे चल रहा है, आपके इस रेट के हिसाब से इतने पैसे बच गए। मेरे पास छह छह शेयर थे, छह मैंने बेच दिए, तो नहीं तो इतना घाटा पड़ जाता, ये मेरा फायदा हो गया 1 दिन का। ये मेरी पोजीशन दिखाता है, होल्डिंग्स, होल्डिंग्स क्या दिखाता है, मेरे पास टोटल क्या क्या है। मेरे पास दो ही शेयर थे, एक सीएम्स था, एक बजाज फिनसर्व का था। बजाज फिनसर्व का दिखा रहा है कि एवरेज प्राइस की जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था या बेचा होगा, ये अभी मैंने बेचा नहीं है, मतलब ये खरीदे वाला प्राइस होता है एवरेज प्राइस, मैंने 6305 का खरीदा था, एलटीपी इस टाइम पे इतना चल रहा है। ये दिखा रहा है कि भाई आज आज में ही आपको इतना घाटा हो गया है, डे का प्रॉफिट एंड लॉस। आज परसेंटेज में भी बता दिया कि 1% की गिरावट आई है जी आपके शेयर के प्राइस। इसमें मैं नहीं बेच रहा, मैं बेचना चाहूँ बेच भी सकता हूँ, ठीक है ना, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, अब देखो ये मैंने क्लिक, मेरे शेयर की पूरी इसने क्वांटिटी दिखा दी कि देखो आपने ये जो शेयर खरीदा था 8 रुपये का खरीदा था, आज का इतना घाटा है, ओवरऑल इतना आपको घाटा पड़ रहा है, एक शेयर के पीछे इतना घाटा, ओवरऑल इतना घाटा, ओवरऑल रिटर्न अगर मैं देखूँ जब से खरीदा अब तक, कहता जी 7.5% तकरीबन, मतलब 7.35% का मुझे घाटा पड़ चुका है जिस दिन से मैंने ये शेयर खरीदा। समझ लग रहा है, कोई ये तो नहीं हो रहा कि कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, किसने पूछना है सर म्यूचुअल फंड्स है क्या लिखा हुआ है। अभिषेक, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात, अभिषेक ने पूछा, कुछ दोबारा से लिख देना मैं बता दूंगा। तो क्लियर है, डीमैट अकाउंट आपने सबने देख लिया कैसा होता है। अच्छा, ये जो डीमैट अकाउंट मुझे एक्सेस दिया हुआ है ना, ये डीमैट अकाउंट डायरेक्ट मुझे किसी स्टॉक एक्सचेंज ने नहीं दिया। स्टॉक आपने पढ़ा होगा, ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स, ये जो शेयर्स की ट्रेडिंग या मतलब ट्रेडिंग का मतलब परचेज या सेल, जो भी परचेज जो भी सेल होती है, ये जो होती है ये ब्रोकर्स के थ्रू होती है। ये जो डीमैट अकाउंट का एक्सेस दिया होता है ना, ये ब्रोकर्स ने दिया होता है, मतलब जब मैं बिड डालूंगा, बिड का मतलब होता है कि मैं परचेज करना चाहता हूँ, किस टाइम पे शेयर का रेट चल रहा है 2350, मैं बिड डाल दूंगा कि 2300 जब भी 40 का हो जाएगा मुझे दे देना, उसको बोलते हैं बिड डालना। एक होता है आस्क, आज का ऑप्शन भी अभी आपको दिखाऊंगा। आज का मतलब होता है जब मेरे पास ऑलरेडी शेयर पड़ा है, मैं कह दूंगा जी मैं जब इस रेट पे हो जाएगा तो मेरा शेयर बेच देना, तो दैट इज आस्क, ठीक है। एक होता है बिड, एक होता है आस्क। बिड का मतलब जब हम खरीदना चाहते हैं, आस्क का मतलब जब हम सेल करना चाहते हैं। इफ यू प्लेस योर म्यूचुअल फंड ट्रेड एनी टाइम बिफोर कट ऑफ टाइम फॉर द सेम डे एनएवी, इफ यू प्लेस, किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ यू प्लेस योर म्यूचुअल फंड ट्रेड एनी टाइम बिफोर द कट ऑफ टाइम फॉर सेम डे एनएवी यू विल रिसीव सेम प्राइस। हाँ जी, अभी मैं आपको शेयर्स में भी दिखाता हूँ ये चीज। जब मुझे हाँ जी, जब मुझे क्या कहते हैं, जब मुझे ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के टाइम पे भी ना, जब मैंने बिड लगानी है या जब परचेज करना है या सेल करना है, जो भी है जो भी करना है, तो दो ऑप्शंस आएंगे मुझे मेरे सामने कि मुझे इंट्रा डे करना है या इंटर डे, मतलब एक होता है इंट्रा डे, एक होता है मतलब आपको जस्ट ये इसका पैनल आ रहा है ना, उसके पीछे ऑप्शन है। देखो ये जो मेरा बजाज फिनजर्व का ऑप्शन है ना, मैंने इस पे क्लिक किया, आ गया सेल शेयर बाय मोर, या इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, इंफॉर्मेशन आपको बता ही दिया, ग्राफ वहाँ पे पड़े हैं, सारी डिटेल आपको दिख जाती है, पुरानी हिस्ट्री दिख जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल पे जाता हूँ, सेल पे आएगा सेल टू, अब मैं सेल पे क्लिक नहीं कर रहा, मेरे एकदम से अभी सेल हो जाएंगे और मुझे पता नहीं कितना आपके साथ ही लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो जाएगा, तो मैं सेल यहाँ पे नहीं कर रहा। मैं आपको ना ये सारी चीजें एक और मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे दिखा दूंगा, वहां पे डमी परचेज और सेल भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मुझे मेरा सिर्फ ये पर्पज था कि आपको ये दिखा दूं कि डीमैट अकाउंट कैसा होता है, कैसे परचेज सेल होती है, परचेज सेल करके भी दिखा देता हूँ वो मनी कंट्रोल डॉट कॉम पे दिखा दूंगा, ठीक है। अभी तक यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।
अभी तक किसी को कोई डाउट है तो मैं पूछ सकता हूँ। बच्चे आप चैट में डाल दो अगर किसी ने कुछ पूछना है तो। माई क्वेश्चन इज डीमैट अकाउंट विल ओनली बी यूज्ड आफ्टर बाइंग अ स्टॉक। तो माई क्वेश्चन इज डीमैट अकाउंट कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज ऑफ सम कंपनी। नहीं, बच्चे डीमैट, हाँ डीमैट अकाउंट आपको एक्सेस मिल गया, आप ना खरीदो कुछ, आपके पास खाली अकाउंट आ गया, आपके पास यहाँ पे ये दो जो ये ऑर्डर्स नहीं आपके दिखेंगे, पोजीशंस या होल्डिंग नहीं दिखेंगे, बाकी आप विश लिस्ट बना के छोड़ सकते हो, ना खरीदो। ठीक है, डीमैट अकाउंट का ऐसा होता है ना कुछ ये नॉमिनल से फीस चार्ज करते हैं साल, कुछ डीमैट अकाउंट बिल्कुल भी नहीं करते, बट ज्यादातर जो अच्छे डीमैट अकाउंट है जो अच्छे फीचर्स वाले होते हैं वो नॉमिनल से 200-400-500 रुपये आपसे साल की फीस चार्ज करते हैं। अगर मुझे ट्रेडिंग ही नहीं करनी तो वाई शुड आई पे फीस, मैं फीस क्यों पे करूँ। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे मतलब अगर डीमैट अकाउंट खुलवाते हो तो आप ट्रेड भी जरूर करो, अदरवाइज आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ एक अभी moneycontrol.com वाला, अगर आप बिना पैसे इन्वेस्ट करें सिर्फ ये देखना चाहते हो कि आपको समझ कितनी है। कई बार ऐसा लगता था यार मैं शेयर मार्केट में पैसे लगाऊं, मैं तो अच्छे कमा पाऊँ क्योंकि मैं न्यूज भी सुनता हूँ, मुझे समझ भी है कंपनीज की, तो बंदा सोचता है कि मैं तो कमा ही लूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कमा लोगे, या आपको लगता है कि पता नहीं, या आप जानना चाहते हो कि आप कमा सकते हो या नहीं कमा सकते, तो जरूरी नहीं है कि अपना पैसा वेस्ट करना। अब moneycontrol.com है एक, वहां पे मैं आपको अपनी लॉगिन आईडी आपकी बना के दिखा देता हूँ कैसे बनती है। वो moneycontrol.com पे आप लॉगिन आईडी पास बना लो और उस पर आप हम डमी शेयर्स खरीद लेते हैं और बेच देते हैं। ठीक है, यहाँ तक डीमैट अकाउंट को क्लोज करने बंद करने लगा हूँ, इसमें से कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। डिस्प्ले आपको बता दिया कि लाइन ग्राफ या किस तरह से आपको ये सारी चीजें आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, मतलब वन डे का व्यू देखना है, वन वीक का, वन मंथ का, वन ईयर का, जब का भी व्यू देखना है, व्यूज जो भी आपने व्यू देखे उनको सेव कर सकते हो कि ये मैंने उस दिन को व्यू देखा था। डिस्प्ले यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि किस तरह का आप ग्राफ देखना चाहते हो। ठीक है, और ये ट्रेड, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप ट्रेड भी कर सकती हो, ये आपके पास पड़े आ गए, ये शेयर्स आपके पास पड़े हैं और खरीदने हैं, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं रिलायंस पे जाता हूँ। मैं कर दूँ, तो ये रिलायंस पे गया मैं। ठीक है, ठीक है, रिलायंस पे गया, यहाँ पे रिलायंस यहाँ पे ऑप्शन आ गया बाय करना है सेल करना है। मैं आपको दिखाता हूँ बाय पे स्पोज में जाता हूँ, मुझे मान लो रिलायंस का शेयर खरीदना, यहाँ पे मुझे पूछे कितने शेयर। अब मैं अगर एक भी पूछता हूँ ना उसने मुझे कह देना है कि इतने पैसे आप दो। अब ये मार्जिन नीचे दिखा रहा है, मार्जिन का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे इंट्राडे किया हुआ है। दो तरह की परचेज होती है, एक होता है डिलीवरी, एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने अभी शेयर खरीद लिया और 3:10 पे, क्योंकि 3:10 पे ना डेली ट्रेडिंग बंद होती है, इस टाइम पे मैं खरीदूंगा और 3:10 पे इस टाइम पे जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा इतने पैसे मेरे अकाउंट में से कट जाएंगे और मुझे ये शेयर मिल जाएगा, और 3:10 पे ऑटोमेटिकली वो मेरा शेयर जो भी रेट मार्केट में चल रहा हो बेच देगा उस रेट पे। ठीक है, अगर मैं कर दूं यहाँ पे डिलीवरी, इसका मतलब क्या है, मैं 2 to 4 जितना भी इस टाइम पे पैसे चल रहे हैं इतने पैसे जमा कराऊं अकाउंट में, यहाँ पे रिव्यू बाय ऑर्डर जैसे कि हम मिंत्रा पे या अमेजोन पे करते हैं, रिव्यू कर लो, वो दिखा देगा कि एक शेयर है इतने रुपए में मिल रहा है, खरीदने को रेडी हो, मैं कहता हूँ यस खरीदने को रेडी, मेरा शेयर डिलीवर होके मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, वो ऑटोमेटिकली नहीं बिकेगा 3:10 पे। अगर मैं कर दूं इंट्राडे, इसका मतलब इस टाइम पे मान लो मैंने 2245 का खरीद लिया, ठीक है, जितने का भी खरीदा,
अगर मान लो 2260 रुपये चल रहा हो 3 बज के 10 मिनट में, ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में से निकल जाएगा मेरा शेयर और 2260 रुपये मेरे अकाउंट में आ जाए। अगर 2200 रुपये का चल रहा हुआ 3 बज के 10 मिनट में, तो 2200 रुपये मेरे अकाउंट में से में आ जाएंगे और मुझे वो जो भी ऊपर का मान लो मैंने 2250 या 50 रुपये का घाटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं बाय कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं बाय नहीं कर रहा क्योंकि मेरा सीधा 2200 रुपये लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल और एएम में ये भी फर्क होता है। एक सिंपल सिंपल आ रहा था कि अगर मैं सिंपल पे, ये ऑप्शन इसलिए आ रहा था कि 3 बज के 10 मिनट में ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में से कट जाएंगे पैसे। दूसरा होता है एएमओ, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया कि डिलीवरी मिलेगी इंट्राडे पे। सिंपल का मतलब सीओ, सीओ का मतलब होता है बिड विल रिमेन, मतलब बिड मैं लगा दूंगा, मैं यहाँ पे ना एक बिड लगा दूंगा, यहाँ पे ना बिड होती है ऑर्डर टाइप मार्केट डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी, मैं कितने शेयर खरीदना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे पूछेगा कि कितने का खरीदना है। ठीक है, जब मैं रिव्यू बाय ऑर्डर करूंगा ना, मेरे से पूछेगा कि आप कितने का खरीदना चाहते हो जी इस टाइम पे, तो ये रेट चल रहा है। ठीक है, मैं अपने बिड लगा दूंगा कि 2200 का दे। अगर मैं यहाँ पे सिंपल छोड़ देता हूँ तो मेरी बिड है आज ही खत्म हो गई, कि 3 बज के 10 मिनट तक अगर 2200 रुपये का शेयर नहीं हुआ तो मुझे नहीं मिलेगा। क्लियर, अगर अगर मेरी बिड, अगर मैं यहाँ पे सिंपल की जगह सीओ कर दूँ, सीओ का मतलब होता है कैरी ऑन, कि मेरी बिड 2200 रुपये की रखते रहो, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद महीने बाद जब भी 2200 का शेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली रिलायंस का शेयर खरीद के मेरे अकाउंट में डाल दें। क्लियर है, बात समझ रहे हो? सिंपल दूसरा है सीओ। इस तरह से और भी ऑप्शंस हैं कि सी ओ सी ओ, ओ सी ओ का मतलब क्या है कि जब तक मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं करता तब तक रखते रहो बिड, अलग अलग इस तरह से ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये तीन मेजर ऑप्शंस हैं, सिंपल सीओ और ओ सी ओ। ठीक है, कॉल आई क्लियर। इसी तरह से सेल का ऑप्शन है, सेल के टाइम पे अब देखो मेरे पास है ही कौन से शेयर, मेरे पास सिबल शेयर्स हैं ये जो मैंने आपको दिखाए थे बजाज फिनसर्व के, तो यहाँ पे मैं सिर्फ बजाज फिनसर्व कह सकता हूँ कि मैं बेचने को रेडी हूँ। कितने में बेचने को रेडी हूँ, कोई सेम ऑप्शन इंट्राडे, और दूसरा आ गया डिलीवरी। इज इट फाइन, इंट्राडे और डिलीवरी का क्या काम है? अब ये जो फीचर्स है ना, इसमें मैं इसलिए नहीं ज्यादा फोकस कर रहा, ये सारे डीमेट अकाउंट्स के अपने अपने फीचर्स होती है। मेरे यहाँ पे साइड पे यहाँ पे दिखा रहा है, किसी और डीमेट अकाउंट में शायद यहाँ पे दिखा रहा होगा, किसी और में नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा होगा। तो हर एक डीमैट के अपने अपने फीचर्स होते हैं, जैसे कि फेसबुक के अपने फीचर्स हैं, ऑरकुट के अपने फीचर्स हैं, ठीक है, स्नैपचैट के अपने फीचर्स, इस तरह से मिंत्रा के या फ्लिपकार्ट के सबके अपने अपने फीचर्स हैं, इसी तरह से डीमैट अकाउंट्स के भी अपने अपने फीचर्स होते हैं। आई होप इट्स क्लियर, आपको डीमैट अकाउंट दिख गया, कैसे खरीदते हैं ये भी बता दिया, कैसे बेचते हैं ये भी बता दिया, आप विश लिस्ट भी बना सकते हो, जिन जिन शेयर्स में आप इंटरेस्टेड हो वो शेयर्स की विश लिस्ट बना लो, उसमें देखते रहो कि आपको गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर मान लो मैंने विश लिस्ट बनाई लगातार मैं देख रहा हूँ 15-20 दिन से गेन ही हो रहा, तो मैं बीच में से एक आधा शेयर खा खरीद लूंगा। ठीक है, अब मैं आपको फटाफट ले चलता हूँ मनी कंट्रोल ऐप। ये moneycontrol.com है, ये एक फ्री वेबसाइट है, ये भी कोई ना कोई ब्रोकर ही रन कर रहा है, इन्होंने और हमें एडिशनल फीचर दे दिया, ये भी इस पे भी डीमैट अकाउंट बन जाता है, इसमें आपका अकाउंट बन गया, आप रियल में भी शेयर्स खरीद सकते हो बेच सकते हो जैसे कि डीमैट अकाउंट भी होता है। ठीक है, बट इसको ज्यादातर लोग सिर्फ इसमें ये मतलब बहुत ही ज्यादा कह लो कि जो भी शेयर मार्केट से लोग जुड़े हुए हैं सारे सबके फोन में आप देखना moneycontrol.com जरूर होगी ऐप। इसमें ना मार्केट की न्यूज आती रहती है कि कौन सी इस टाइम पे कंपनी को फायदा हो रहा है, कौन सी कंपनी को लॉस हो रहा है, टिप्स आती रहती है यहाँ पे। ठीक है, कि कहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है, कौन कौन सी आईपीओज आई हुई है इस टाइम पे, आईपीओज का मतलब है नई जो शेयर्स मार्केट में आते हैं, मतलब हर एक चीज इसने हमें हर एक चीज का एक्सेस दिया हुआ है। ये ना मेरा ऑलरेडी मैंने ना अकाउंट खुद का बनाया हुआ था, कल मैंने ये मेरे भाई का यहाँ पे लॉग इन हुआ है, अभी एक नया अकाउंट उस पर क्रिएट करते हैं, फिर आपको बताता हूँ शेयर्स कैसे खरीदने या बेचने। लॉग आउट कर दिया, नया अकाउंट बनाते हैं। वरिंदर सर एक आप अपनी ईमेल आईडी बोल दोगे प्लीज? VIRN वीरेन VIRN वीरेन डॉट दुआ
थोड़ी सी तो याद ही है मुझे सर। जी @gmail.com। मैं यहाँ से पासवर्ड नहीं मांग रहा सर का, मैं ऐसे करता हूँ ओटीपी यूज करता हूँ सर। आपको एक ओटीपी आएगा आपके फोन पे। एक मिनट, नंबर बताना सर, फोन नंबर बताना नाइन 8555 8 5 4 3 43 सर। या हाँ जी 8 7 5 7। 8757। तो ये एक ओटीपी आया आपके फोन पे सर, बताना प्लीज। हाँ शुड जी सर, आपके ओटीपी आया होगा। हाँ जी ओके ओके शुड आई गिव यू ओटीपी हाँ जी सर, 1507। 1507। अब ये हमने ना सर के अकाउंट से बन गया हुआ था, सर के अकाउंट से लॉग इन हो गया वीरेन दुआ के नाम से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, मार्केट में, ये मार्केट पे क्लिक किया, मार्केट का क्या हाल है ये यहाँ पे दिखा देंगे। सेंसेक्स का क्या हाल है, सेंसेक्स इस टाइम पे 5,405.61 पे चल रहा है, निफ्टी इस पे चल रहा है, ठीक है। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स क्या है, किन शेयर्स में सबसे ज्यादा इस टाइम पे फायदा हो रहा है, किन में लॉस हो रहा है। तो ये ज्यादा एक्टिव जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे दिखा दिए कि डॉक्टर रेड्डीज लैब का आज इतना 25 रुपये का रेट बढ़ गया, रिलायंस का इतना बढ़ गया, ये सारे एक्टिव स्टॉक्स दिखा रहे हैं, ठीक है। ये निफ्टी सेंसेक्स जो आपको मैंने वो सारे इंडेक्सेस बताए थे, वो सारे इंडेक्सेस का हाल बताया, ठीक है। अब मैंने आपको दिखाना था कि हम शेयर्स कैसे, अब इसमें आपका फायदा क्या है, अगर आपने पैसे नहीं भी लगाने, आप ना यहाँ पे अपना, यहाँ पे देखो पोर्टफोलियो का ऑप्शन है ऊपर, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो आपका बता दिया, जैसे नमक मिर्च होता है ना घर पे, मसालों की डब्बियां होती हैं, थोड़ा सा उसमें डाल रखा है, थोड़ा सा उसमें डाल रखा है, इसी तरह से शेयर में पोर्टफोलियो होता है। थोड़े से रिलायंस के शेयर ले लो, थोड़े से सुंदरम फाइनेंस के ले लो, थोड़े से इसके मनापुरम गोल्ड लोन के शेयर्स ले लो, थोड़े से अशोका लेलैंड के ले लो, इस तरह से पोर्टफोलियो बना। तो पोर्टफोलियो पे मैं गया, पोर्टफोलियो पे मैं गया, अब मैं क्या करूंगा, शेयर्स खरीदता हूँ, पोर्टफोलियो पे जाके क्रिएट, कहता आपका पोर्टफोलियो अभी नहीं बना हुआ, मैं कहता हूँ नहीं, मैंने नया बनाना है पोर्टफोलियो। अब ये कह रहा है कि लॉग इन टू पोर्टफोलियो, लॉग इन करो अगर पोर्टफोलियो बनाना है, तो मैं पहले वही सर सर वाला जो है उसी से मैं लॉगिन करता हूँ सर। एक बार फिर से ओटीपी आएगा सर, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, बस मैं टाइम 5-10 मिनट्स में सर खत्म करूँगा प्लीज। ओके ओके 7950। 7950। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, कहता आपके पास अभी कुछ नहीं है, लेटेस्ट वैल्यू कुछ भी, अभी खरीदे नहीं, अभी तो बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ऐड ट्रांजेक्शन, ऐड ट्रांजेक्शन पे गया। आप सब भी यहाँ पे, मतलब आपको भी घर के लिए एक होमवर्क है आज के दिन के लिए, तो .com पे अपना लॉग इन आईडी, अपना साइन अप करके अपनी आईडी बना लो और ऐसे डमी कुछ शेयर खरीद लो। तो बाय स्टॉक नहीं, जैसे मैं अभी फिर से रिलायंस पे ही जा रहा हूँ, रिलायंस, रिलायंस के भी काफी तरह के शेयर्स हैं, मैंने रिलायंस सिंपल क्लिक करा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। अच्छा एक और चीज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी ना एक आधे रुपए का फर्क होता है, ठीक है। कई बार वो वहां पे सस्ता मिल रहा होता है, वहां पे महंगा मिल जाता है, बट जब हम बेचने लगते हैं उतनी देर में, मतलब ये नहीं रहेगा कि आप चलाती कर लो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदो, बॉम्बे में बेच दो, जब खरीदने लगेंगे तो एट पार उसी रेट में मिलेगा जिस रेट पे इस टाइम पे बॉम्बे में चल रहा है। तो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लो, मैं कह रहा हूँ जी रिलायंस के मैंने 200 शेयर खरीदे, 2245 का एक शेयर है, मैंने यहाँ पे 200 भरा, कहता 4,49,150 की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर दिया, अब मेरे पोर्टफोलियो में और अपने आप ही रिलायंस के शेयर्स आ गए, ठीक है, रिलायंस के शेयर्स आ गए हैं। अब ये मुझे दिखाने लग जाएगा कि भाई आपके देखो
प्राइस इतना है, अभी आपने खरीदा था, आपको अभी 1720 रुपये का फायदा हो रहा है। मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट करी थी 4,49,614, 4,49,000, नहीं लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि भी इतनी थी, इस टाइम पे इतनी वैल्यू होगी, लॉस हो गया आपको अभी खरीदते ही। ठीक है, इसको अनरियलाइज्ड गेन बोलते हैं। अनरियलाइज्ड गेन का मतलब होता है कई बार वैल्यू बढ़ जाती है बट आपने बेचा नहीं होता। वो कहता है कि अनरियलाइज्ड गेन। अभी और एक दो और शेयर इसमें ऐड कर देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कुछ भी खरीदना है, म्यूचुअल फंड खरीदना है वो भी यहाँ से खरीद सकती हो। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स कुछ होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आपको बेचती हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, साथ में आपकी इंश्योरेंस होगी और साथ में इन्वेस्टमेंट भी होगी। इस तरह से अलग अलग चीजें आप यहाँ से खरीद सकते हो। मैं फिर अभी फिलहाल शेयर्स की ही बात कर रहा हूँ। बाय, यहाँ पे बाय क्लिक किया हुआ है, सेल भी कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, बाय क्लिक किया हुआ है, मैं यहाँ पे टाटा भर रहा हूँ, टाटा का कोई शेयर आगे, टाटा मोटर्स का शेयर ले रहे हैं। ठीक है, 134 रुपये का एक शेयर है, मैंने 500 शेयर खरीद लिया एड ट्रांजेक्शन। तो ये मेरा आपको बनवाने का पर्पस ये है कि कई बार हमें लगता होता है यार अच्छी अच्छी कंपनीज में पैसे लगाओ, टाटा में, रिलायंस में, और बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसे लगाओ, हमेशा प्रॉफिट ही होता है। प्रॉफिट होता जरूर है बट लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में आप सोचोगे आज लगा दूं कल बेच दूं, ये देखो खरीदते लॉस हो गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट बड़ी जल्दी अप डाउन जा रही है। ठीक है, तो कभी मतलब प्रॉफिट हो जाएगा, कभी लॉस हो जाएगा। तो लॉन्ग रन में सारी कंपनीज बढ़ती हैं, चाहे बड़ी हैं चाहे छोटी हैं। ठीक है, शॉर्ट रन में हम कुछ नहीं कह सकते, कोई भी बंदा नहीं कुछ कह सकता, कमाओगे या डुबाओगे। ठीक है, तो ये इसने बता दिया कि आपके पास 200 शेयर रिलायंस के पड़े, इतने का खरीदा था, ये आपके पास 500 शेयर इसके पड़े, इतने का खरीदा था, ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आ गई पूरी कि कितने पैसे लगे हैं, इस टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी है, और इस टाइम पे आप देखो दोनों में लॉस ही हो रहा है, खरीदते ही एकदम से लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप कुछ मतलब शेयर मार्केट की नॉलेज लेना चाहते हो, तो आज घर जाके यही काम करो कि आप अपना moneycontrol.com पे पोर्टफोलियो बना लो, 7-8 तरह के शेयर्स खरीद लो। तो 7-8 तरह के आप शेयर्स खरीद लो, पोर्टफोलियो बना लो, डेली देखो कि आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आपको डेली यहाँ पे दिखाया जाएगा, डेली जैसे यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, ये दिखा रहा है, कहता है आज का गेन आपका 970 रुपये हो गया टोटल, रिलायंस वाला बढ़ गया, टाटा वाला घट गया, टोटल मुझे 970 रुपये गेन हुआ। अनरियलाइज्ड गेन का मतलब क्या है, ये देखो 970 रुपये में से कुछ तो मुझे काट के पेमेंट मिलनी थी ना, ब्रोकरेज कट कट के पेमेंट मिलनी थी, तो 805 रुपये का मैं फायदा करा सकता था बट मैंने कराया नहीं, ये इसलिए अनरियलाइज्ड गेन दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना यहाँ पे पोर्टफोलियो सारे बच्चे क्रिएट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स की तरह तरह के पड़े हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड ऐड कर लो, यहाँ पे यहाँ से म्यूचुअल फंड का नाम लिखो, कौन सा म्यूचुअल फंड आपने खरीदा है, तो फिर इसमें ऐड कर लो। राइट, तो इतना ही था मुझे जो शेयर करना था। आप लोगों की जो क्वेरीज आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स में, प्लीज आप एक काम जरूर करना, म्यूचुअल ये जो moneycontrol.com है इस पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो। इनका भी ऐसे है जैसे हमारा आजकल ऐसा नहीं था, फोन पे चला रहे हो तो फोन पे का उनका ऑप्शन है फोन पे स्विच, मतलब प्रो वाला ऑप्शन देते हैं, यूट्यूब है यूट्यूब प्रीमियम का ऑप्शन देता है, ऐसे ही moneycontrol.com भी प्रो का ऑप्शन देता है, उसके लिए कुछ चार्ज करता है, वैसे फ्री है, उसमें कुछ एक्सेस एक्स्ट्रा सर्विसेज दे देगा बट हमें प्रो की जरूरत नहीं है, फ्री वाला आप क्रिएट कर लो और ऐसे ही डमी सा आप पोर्टफोलियो बना लो, उससे आप अपनी मार्केट की नॉलेज लेते रहो कि मेरे भी जो मार्केट के, आप प्रैक्टिकल करके देखो, न्यूज़ पढ़ो, टीवी में से न्यूज़ सुनो, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करो, फिर देखो आपको फायदा हो रहा है लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो रियल लाइफ में मत जाना शेयर मार्केट में, अगर फायदा हो रहा है लगातार 6 महीने साल प्रॉफिट कमाते रहे तो जरूर कूदो मार्केट में आप ऐसे। ठीक है, आई होप जो मुझे काम दिया गया था मैंने सर पूरा कर दिया। बाकी बच्चों की अगर क्वेरीज है तो आप बच्चे आप पूछ सकते हो मेरे If the students have any queries, so then you can ask. You can write in your chat box. Professor Rajesh is there? Professor Rajesh. से। यस सर, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू वेल। हेलो रजेश ओके। सर, हेलो अमित सर, हाउज यू? बहुत बढ़िया सर, सो यस,
So it's wonderful experience to hear my dear friend Professor Amit Goel. On behalf of Govindgarh Public College, we wanted to express our appreciation to you, sir. Thank you spare your time for the webinar on the topic share market operation, in which you deliberated on various topics, common investment patterns, options, Nifty, Sensex, and you can say SIP mutual funds, and how to buy mutual funds, how to buy shares, and you demonstrated live on the online platform, and students really benefited from it. Once again, thank you for making the webinar successful. We appreciate you. Your continuous my staff, Professor Brinder, Professor Ruchika Jain, and all Professor N.P. Singh, and all the teachers who, Professor Priyanka, Karina, and other teachers who joined in the webinar. I congratulate them for their dedication and hard work. Finally, I thank the wonderful students who turned up in such great numbers, not only from our department, from other department also. So thank you so much for your cooperation. Thank you, Amit sir. Thank you very much, sir. So thank much. You so much. Thank you, dear sir. Thank you to all the team members of GPC. Thank you so much. All the students, you are requested to on your videos so that we may take a screenshot. So please, you all are requested to on your videos. On your camera, please. Sir, may I leave? Just wait, sir. Okay. Just wait. Star of, can you leave before take screenshot? It's really wonderful lecture, sir. Students fraternity will definitely learn a lot of benefits from your deliberations. So it's wonderful. Thank you very much, wonderful. Sir. Actually, you know about the tragedy that happened just 2 days back. So I was busy there during last 2 days, so I couldn't prepare that much. But so please, dear students, I again request you, you should on your camera, please put your camera on so that we want to take your screenshot, which will be given for an press release. So please, you all are requested, be quick, please. You all are requested to show your camera, please. All students. Be quick, be quick. Very good. Well done, well done. Be quick. Disha, Eva, Gagandeep, Bhavya, Alisha, Ayana, Abhijit. Be quick. You can have a screenshot of that. That's it. It's okay. Yeah. So, well done, sir. Okay. Thank you so much. And stay in touch with us. Thank you, sir. Okay. Thank you. Take care. Thank you, sir. Now you can leave. Yeah. Sir, thank you, sir. Thank you. Okay, dear. Take care. And okay.